ध्यान इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम ध्यान लगाते ही नहीं। मन में अगर 100 विकार भरे हुए ध्यान कैसे लग जाएगा। ध्यान का मतलब है मन को एकदम शांत कर। ध्यान का होता है कि हम उस समय लालच भय आदि विचारों को एकदम छोड़ दें। वो सब केवल एक ही विचार है, प्रभु का विचार, जिनकी भी आप पूजा करते हैं ध्यान लगने लगेगा। और दूसरी बात है शरीर एक्टिव हो, क्योंकि इनएक्टिव स्टेट ऑफ बॉडी में ध्यान नहीं लगेगा। एक्टिव करने के लिए क्या, श्वास प्रश्वास क्रिया करें, पहले सांस बाहर निकाल दें, ताजगी महसूस करें और पूरी प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा अंदर लें और बाहर से अपने आप को बिल्कुल काट दें, चाहे 5 मिनट के लिए 50 मिनट के लिए, ध्यान लगने लगेगा। और ज़बरदस्ती हमें कठिनाई से बैठने की भी आवश्यकता नहीं है कि हमें पद्मासन में बैठना है, जैसे बैठ सकते हैं वैसे बैठ जाइए। और कुंडलिनी जागरण का ध्यान से संबंध स्थापित करके चलिए मन, क्योंकि दोनों में भटक के रह जाते हैं। आदि जनता कुंडलिनी जागरण के चक्कर में भटकी पड़ी है। अगर प्रभु में ध्यान लगाना है तो प्रभु का नाम जपिए, ध्यान कीजिए, काम कीजिए, विकारों को बाहर कीजिए, आराम से बैठ जाइए और उनका श्वास क्रिया करते करते उनका नाम लेते लेते आप अपने आप ध्यान में किसी ना किसी वक्त जाने लगेंगे। आप कब जाएंगे या आप जाने, आपके प्रभु जाने।